क्रिकेट की न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से रही आपके सामने। विश्व कप 2023 के बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां पर 3 T20, 3 वनडे और 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। दौरे का आगाज T20 सीरीज के साथ किया जाएगा, जिसका पहला मैच 10 दिसंबर को खेला जाएगा, दूसरा मैच 12 दिसंबर जबकि आखिरी मुकाबला 14 दिसंबर को खेला जाना है। इस सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जा सकता है, जबकि उमरान मलिक और वेंकटेश अय्यर के अलावा दीपक चाहर की भी भारतीय टीम में वापसी हो सकती है। माना जा रहा है कि इस सीरीज के लिए नियमित कप्तान रोहित शर्मा को आराम दिया जाएगा, ऐसे में श्रेयस अय्यर को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अय्यर IPL में दिल्ली कैपिटल और KKR की ओर से कप्तानी कर चुके हैं। T20 में उन्होंने 49 T20 मैच खेलते हुए 30.68 की औसत के साथ 1043 रन बनाए हैं।